बहुत लेट है, एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लेट है। अभी टाइम हो रहा है 7:10 और उसका टाइम था 6:50। इसी गाड़ी की वजह से मैं सुबह सुबह उठा और वहाँ से सीधा भागा, खाया नाश्ता किया और मैं सही से कुछ भी नहीं किया, बस बैग पैक किया और सीधा निकल गया स्टेशन की तरफ। लेकिन ये गाड़ी यहाँ आने के बाद अभी 20 मिनट मुझे हो गए बैठे बैठे, 20 से 25 मिनट, और अभी गाड़ी का पता नहीं है कितनी देर में आएगी। अभी एक भाई साहब बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि ये साबरमती एक्सप्रेस ये डेली इसी तरह लेट होती है। अभी ये गाड़ी आ गई है और मेरा रिजर्वेशन है स्लीपर क्लास S2 and 3 सीट नंबर 6। सबसे पहले मैं इसमें बोर्ड करता हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करता हूँ। बहुत देर वेट कराने के बाद फाइनली ट्रेन आ गई और अब ट्रेन में बोर्ड कर लिया मैंने और ये मेरी सीट है पीछे। अपर बर्थ अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे, लेकिन अलाउट हुई अपर बर्थ, कोई बात नहीं। मैं बीच बीच में नीचे आके गेट से आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस वक्त मैं एयरलाइन क्यूइंग के अंदर, जो मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेशन है वो है फलोड़ी। फलोड़ी इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो फलोड़ी के अंदर किया गया था, 51 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए वो फेमस है और वो मेरा अगला स्टेशन है। व्यू बहुत सही है इधर, मतलब अभी जो मैं डेजर्ट देखना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रही रास्ते में, ठीक है। सामने रेत के पहाड़ है। बस गेट पर खड़ा हूँ और नजारों का मैं कुछ मजे ले रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग माई मोमेंट। सफर अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अभी हमारी ट्रेन रुकी है फलोदी जंक्शन पर और इस फलोदी जगह की खासियत यह है कि सबसे ज़्यादा दिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गर्म दिन का रिकॉर्ड इसके पास है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट
टेम्परेचर 51 रिकॉर्ड किया गया था। इससे ज़्यादा गर्म जगह और शहर का टेम्परेचर पूरे इंडिया में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। ट्रेन अभी पोखरण स्टेशन पर आ गई है। एक्चुअली मैं सो गया था ट्रेन में, लेटे लेटे कब नींद आ गई पता नहीं चला। और अभी तकरीबन पिछले 15 मिनट से गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है, पता नहीं कितनी देर में चलेगी। ये ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा लेट है। अब नेक्स्ट स्टेशन अपना जैसलमेर है, इसके बाद सीधे। और गाड़ी शायद देर ही है, शायद अभी चलेगी, इसलिए मैं जाता हूँ ट्रेन के अंदर। हाँ यार, जब से ट्रेन में बोर्ड कर रहा हूँ उसके बाद मैं एक व्यू देख रहा था, जब से मुझे कुछ खास व्यू नहीं, लेकिन ये व्यू देखने लायक है हकीकत में। ये एक कुछ पत्थर की पहाड़ी टाइप है, उधर कैसे दिखाता हूँ। और अभी इससे पिछली वाली जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो सारी ब्लर हो गई, पता नहीं कैसे अनफॉर्चुनेटली। और मैं फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ वाली बात में। तो यार मैं ना करीब जोधपुर से सुबह मैंने बोर्ड किया 7:30 बजे, और यहाँ जैसलमेर अभी टाइम हो रहा है 1 बजे पहुँच गया। लगभग 6 घंटे की जर्नी थी, मतलब बहुत सही थी। रास्ते में एक फौजी अंकल मिल गए, उनसे बात करते करते मतलब टाइम पास हो गया ठीक ठाक। और यहाँ पर ना मौसम बहुत सनी है, तो वहाँ से मैं जर्सी वगैरह पहन कर आया था अपने घर से, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब फील हो रही है कि यहाँ गर्मी है। स्टेशन नीट एंड क्लीन है एंड ओके। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही या ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ये लोग बाइक टैक्सी वाले, ये लोग पीछे लग जाते हैं। अभी जिस बंदे ने मुझे बगैर मांगे लिफ्ट दी थी वो काइंड ऑफ यू कह सकते हैं आप, वो टोट है आपका ना। लोग कदम कदम पर बेवकूफ़ बनाते हैं जैसलमेर में, तो इसलिए